बजाय ग्रेवी से बात हो रही थी। समा स्पेशल ट्रांसमिशन अगस्त में मार्च के साथ, मैं हूं पारस खुर्शीद। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद के तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर बदल जाते हैं इंसान जाना। अब मरासिम काम नहीं आएंगे, अब दुआ सलाम अल्लाह से काम नहीं आएगा। अब बहुत हो चुका, सब खत्म हो गया। अब सिर्फ दो दिन का वक्त है, अब सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। अब धरना इनकलाब में तब्दील हो गया है। इस निजाम का बिस्तर लपेट दो, अपनी हुकूमतें खत्म कर दो, इन असेंबलियों को गायब कर दो, वरना दमादम मस कलंदर होगा। मैंने कफन रख लिया है, शहादत की नीयत कर ली है। अब या तो नून लीग की बादशाहत ये कफन पहनेगी या मैं, ये कहना है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। दूसरी जानब सूरत हाल यह है कि इमरान खान एक जानब तो साबिक चीफ जस्टिस के नोटिस के जवाब में माजत खाना रवैया इख्तियार करते हैं, जबकि जबानी पैगाम में सुल्तान राही से कम बात ही नहीं करते। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनका असल मौकफ क्या है, नोटिस वाला या धरने वाला। इमरान खान कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता पूरा मुल्क जाग रहा है। सवाल यह है कि रफ्ता रफ्ता पूरा मुल्क तो जाग रहा है, लेकिन इमरान खान और कादरी साहब जिनको जगाने के लिए 13 दिन से यहां बैठे हैं, क्या उनकी आंखें खुल गई हैं? क्या वो जाग गए हैं? क्या उनकी भी नींद उड़ गई है? इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून शेख एहसनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, और कुछ ही देर में पीएमएलएन से हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं शुरू करती हूं। अफजल खान साहब ने कल इलेक्शन 2013 के जो धांधली के पोल थे वो खोल दिए। अब जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, आपकी नजर में, आपके ख्याल में उनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, और क्या बगैर सबूत के उनको सच मानना चाहिए, माना जा सकता है? नहीं, असली तौर पर जैसे एक जैसे ठीक है, वो इलेक्शन पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एहलकार रहे हैं जी। उन्होंने अपने तमाम मुशाहदात और तासरात जो थे वो पेश किए हैं। जैसे एक ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद किताब लिखता है, उसमें अपनी याददाश्तें लिखता है, उसमें जो जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो उन्होंने आपने पेश कर दिया। उसके मुताबिक जहाँ तक दीगर मतालबात जो बातें हो रही हैं, वो तो हम 1.5-2 साल से कहते चले आ रहे हैं कि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसे ही इंतखाबात हुए हैं जो को तमाम सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर तहफात का इजहार किया। बिल्कुल किया, ठीक। ये हकीकत देखा जाए तो तमाम पार्टियों ने कहा कि इस पर हमारे तहफात हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम नवाज ग्रुप भी शामिल, उन्होंने भी कहा। और मजे की बात है वो सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इक्तदार में भी मौजूद है, तशवीश भी है धांधली के ऊपर हो गई। लेकिन तमाम देखा ना, अब ये ठीक है, अब तहरीक इंसाफ के सरबराह कहते रहे कि मैंने तस्लीम तो कर ली है नतज, लेकिन मैं धांधली को तस्लीम नहीं करता। ठीक है, वो शुरू से हल्फी उठा लिया, कौमी असम्बली में भी चले गए और चार हलकों की तरफ उनका मुतालबा था। अब अगर चार हलकों में जो वो रिकाउंटिंग मांग रहे थे तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में शामिल था, मुकम्मल इख्तियार। यहाँ तक कि ये इब्तदाई सतह पर हमारा अगर अवामी नुमाइंदे एक्ट पढ़े आप 39 सेक्शन, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी इख्तियार हैं कि जबकि वो अपना रिकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार है। तो वो हमें हैरान इस बात के हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ क्यों नहीं दिया? वो 60 दिन तक की मोहलत है, 60 दिन तक के दौरान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 103 दफा के तहत भी उनकी वो रिलीफ दे सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। नहीं एक बात और, इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं और जो इलेक्शन के जो इंतजामात हैं, क्या उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि इतने मैसिव, इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो सके? इमरान खान साहब जैसे कि कह रहे हैं कि इलेक्शन से 2 दिन पहले बैलेट पेपर जो है वो उर्दू बाजार लाहौर से प्रिंट कराए गए, तो इतनी गुंजाइश थी? देखा जी, बात यह कि जब आपकी नीयत में फतूर हो, मैलाफाइड हो, तो सब चीजें सामने आ सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये उर्दू बाजार में या प्रिंटिंग कॉरपोरेशन जो है कोई प्राइवेट, उसमें वैसे ये बैलेट पेपर छपना इंतहाई कौमी जुर्म है। ये तो कोई पाकिस्तान का प्रिंटिंग प्रेस बहुत मुश्किल से कोई रिस्क लेगा कि अगर मालूम हो जाए कि यहाँ बैलेट पेपर छपे हैं तो उसके मुताबिक आप जब मैक्सिमम सजा जो है वो आर्टिकल 6 भी लग सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई प्रिंटिंग कॉरपोरेशन अगर किसी रिस्क लिया है तो वो सबूत पेश करवा दीजिए। उन्होंने एक नाम लिया है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का, जावेद इकबाल का, तो वो चाहिए उन्हें कि मुकम्मल सबूत पेश करें और बताएं कि कौन सा प्रिंटिंग प्रेस था,
कि जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। तो शिकवा जवाब है, शिकवा के लिए सब एक दूसरे से ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खुद को तहकीकात के लिए सामने नहीं लेकर आ रहा, कोई चाह ही नहीं रहा कि हम इस तहकीकात में थे, हम नहीं है, क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। एक बात और बता दें कि आप समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो उनका दबाव था इलेक्शन कमीशन पर? नहीं, वो तो जा रहे हैं, वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दबाव तो बहुत ज्यादा रहा, वो शौक था हर बार इदारे को दबाव में रखना, वो उनकी आदत बनी हुई थी। वो उन्होंने चीफ खबर इवन कि जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने भी निजी महफिलों में कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा अहम सबूत पेश कर देता हूँ, उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इश्तियाक अहमद खान साहब को बहुत ज़्यादा उनको दबाव में रखा, और इतना दबाव में रखा कि उन्होंने मुझे इस्तीफा पेश कर दिया, जहाँ मैं तो मुस्तफ़ी हो जाता हूँ आपके दबाव के तहत, जितना मुझे तंग किया जा रहा था मैं तो खुद ब्लड प्रेशर हो गया मेरे को। तो ये तो हकीकत है, वो दबाव में, वो आदतन थी या वैसे था या ये मैं पूछ लेती हूँ, ये शेख अहसनुद्दीन साहब शायद बेहतर बताएंगे, आदत थी, आदतन ये बात थी या क्या वजह थी, और क्या आप समझते हैं कि ये गलत है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इलेक्शन कमीशन पर दबाव था? देखिए जी, ये कह रहे हैं कि महफलों में, निजी महफलों की बात नहीं होती है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे शख्स ने टीवी पर आकर कहा है कि मेरे पर कोई दबाव नहीं, असल बात नहीं थी, महफलों में होती है। नहीं 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 नहीं, कतन नहीं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम ऐसे किरदार के आदमी नहीं। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर के दौर में जब एक दफा सिर्फ जो है शरीफुद्दीन पीरजादा को एक केस में एंगेज किया था तो उन्होंने अटॉर्नी जनरलशिप छोड़ दी। अच्छा, वो वाहिद आदमी है जिन्होंने किसी पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। तो उस आदमी को ये कहना कि वो निजी, और दबाव क्या था? तो फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने खुशी में रिजाइन दे दिया था इलेक्शन की कामयाबी, ऐसे बात नहीं होती, कोई लिंक कायम करे, ताल्लुक नहीं है इस बात से, कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई दबाव, किस चीज का दबाव था? देखिये बार बार कहते हैं जनाब उन्होंने आरोस को खिताब किया, मैंने कितनी दफा चैलेंज किया कि वो तकरीरें मौजूद है, वो मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, लाए ना वो उस बातें, जब क्या किसी चीफ जस्टिस से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आरोस को कहेगा कि आरोस को खती लिखा उन्होंने, आरोस से खिताब नहीं किया उन्होंने, क्या खत लिखा कि क्या दादी थे वो उस वक्त, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर थे ना, फिर तो उनका इख्तियार नहीं था, ऐसा बात नहीं होती। देखे दादी करे, उन्होंने जो खुद जनरल पॉलिसी बनाई 2009 में, और उनकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है दबाव। वो लोग कहते हैं जो करप्ट थे, बददियानत थे, उन्होंने नोटिसेस लिए हैं इस चीज के, और जो आदमी उनकी अदालत में पेश होने से डरते थे, साफ जाहिर है ये खुद मुख्तार इदारे की में मुदाखलत नहीं है उनके काम में, कतन मतलब उन्होंने क्या मुदाखलत की, क्या मुदाखलत की आरोस के साथ, किसने कहा था कि आरोस को ले आरो, भाई किसकी, नहीं मुझे बताएं ये किसकी दरखास्त थी कि आरोस को किया जाए, इमरान साहब की, सियासी जमातों की, सियासी जमातों की थी, उनको उनकी तो नहीं थी। और आरोस को लाने के लिए क्या वो पूरी एक जजेस की कमेटी थी, वो एक चीफ जस्टिस अकेले नहीं थे, और वो भी पंजाब और दूसरे अपने बनाए हुए रूल्स को उन्होंने वायलेट नहीं किया, नहीं, वो उन्होंने जो वो तूफानी दौरे के चारों इलेक्शन कमीशन के, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या फर्क, तो वो कैसे कह रहे हैं दबाव, कैसे दबाव, फिर बताएं ना कोई चीज बताएं, कोई उनकी आखिर किसी कहीं उन्होंने जबानी कानून की फर्क की बात कर रही हूं। देखिए आप किसी पर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, कोई चीज भी तो लाए, मैं बार बार कहता हूँ कोई ऐसी तकरीर ला दे, कोई ऐसे लफज ला दे, कोई ऐसा आरो आकर रिटायर हो गया ना, कई आरो उनमें से कोई आ जाए, अफजल खान की बात करते हैं जहां से आपने शुरू किया, अफजल खान हमेशा मुतनाजा शख्सियत के हमल रहे हैं। आज जस्टिस कियानी साहब ने क्या कहा है, जस्टिस कियानी साहब ने कहा है कि इन्होंने तो मुझे एक्सटेंशन की दरखास्त दी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस कियानी मुतनाजा नहीं है? नहीं, वो मुझे नहीं है, नहीं, तो आपको ये पता है अफजल खान मुतनाजा है, आपको ये पता है कि वो कियानी साहब नहीं है, अफजल खान साहब क्यों मुतनाजा है? इसलिए मुतनाजा है कि उनकी हमेशा शख्सियत जो थी इलेक्शन कमीशन में, वो कोई सेक्रेटरी नहीं थे जो उनके अख्तियार में था, वो कैसे कह सकते हैं क्या कोई, मैं चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं मेरे सवाल के जवाब अगर आप देते, वो मुतनाजा किस तरह से है? कियानी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाइयां दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन रिग है, इसलिए नहीं है, चार्जेस भी लगे हैं, मुतनाजा इसलिए कि एक हफ्ते से वो बैठे हुए इस वक्त में सामने क्यों आए, पीटीआई के जो है उस धरने में बैठे हुए हैं, आज एक मीडिया ने पूरे उनके और उनके बच्चों की तस्वीर दिखाई है, ये तो जुर्म नहीं है, वो तो रिटायर्ड आदमी है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, फिर रिटायर्ड आदमी को ये कहां से पहुंच गया कि जबानी कलामी, ये कहते हैं मुशाहिदात, क्या मुशाहिदात के लिए कोई बेस नहीं होनी चाहिए, कौन है उनके पीछे इस वक्त में, क्यों वो सामने आए, क्या ख्याल है? तो यहाँ आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि कोई एक ऑर्डर ला दें कि आरओ को अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ने,
जबानी या रिटर्न वो लिखकर धांधली करवाई जाती है, वो तो इंश्योरेंस होता है। तो फिर कुछ तो लाए ना, जब लिखा नहीं कराया तो कैसे नहीं, नहीं कैसे कुछ तस्रात भी। मैं अभी पढ़ता हूँ उसके बारे में, कमीशन बैठेगा तो इंक्वायरी करेगा ना इस बारे में। मेरे जो है मेरे कायद हैं अहमद खान साहब, और चेक होगा मेरे अहमद खान साहब, फिर चीजें सामने आएंगी। उनकी तहरीक पे सर आऊं, उन्होंने हर उसके बारे में क्या जवाब दिया इमरान खान की तरफ से, पढ़ो। आप मानते हैं कमीशन बैठे जी, अफजल खान साहब को बिठाया जाए, जस्टिस कियानी को बिठाया जाए, तब ये बातें खुलेंगी ना, जब रिकॉर्ड खुलेंगे सामने। ये उनका मामला है, नून लीग और पीटीआई का कमीशन बिठाए या ना बिठाए, मैं उसूल की बात करें ना, उसूल का मामला है। नहीं मैं उसूल की बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी बता रहे कि गांधी कभी नहीं हुआ, नहीं मैंने कभी आपने अपने तरफ से अखज कर लिया। आगे चलते हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी गांधी नहीं है, बिल्कुल हुई है, लेकिन कौन लोग हैं? अली मोहम्मद खान बने एमएनए मरदान से, तो मतलब वो भी गांधी करके बने भी आते हैं। लेकिन एक बात है चौकत यूसुफ़ज़ई साहब, अब जो बात अफजल खान साहब ने की है ना, उससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का केस तो मजबूत हुआ है, लेकिन वो बात वही कर रहे हैं, सबूत लेकर आओ। और अब तक इमरान खान साहब ने भी जो बातें की है ना, वो भी उनके भी सबूत नहीं है। तो सवाल ये, आप लोग कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखें अगर चार हल्के खुल जाते ना पारस, तो बहुत सारे सबूत सामने आ जाते। अब देखिए हुकूमत तो इनकी है ना, अब इलेक्शन कमीशन जो वो नहीं खोलना चाहता, हुकूमत एक्शन नहीं लेना चाहती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाओ वो नहीं सुनता। ये केस आपके सामने नहीं है कि इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो चीफ जस्टिस ने कहा जी मेरे पास और बड़े केस हैं, लेकिन वजीर दाखिला जब चला गया तो ये जो 9 महीने तक मुअत्तल रखा गया सरवर खान को 100 मोटो एक्शन लेके, तो ये फर्क नजर नहीं आ रहा आपने आपको? अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अगर खुल जाते, अब वो नहीं खुले, अब बताएं लड़ाई चाहिए पूरी कौन करेगा? जस्टिस कियानी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं उन्होंने उसके जवाब नहीं दिया, वो जाती अटैक पे आए कि जी ये मुतनाजा थे, इनकी जो है ना बेटी का जो है ना प्रमोशन का केस था। ये देखे इस तरह नहीं होते हैं, जवाब आपने देने थे, जो उसने जो इल्जाम लगे उसके जवाब आप दें। ये जवाब नहीं होता है कि आप उसके जात पे चले कि जो मुतनाजा था मैं भी हो सकता हूँ। अरसलान इफ्तिखार की बातें कर रहे हैं, वो जाती बातें नहीं है। नहीं जस्टिस कहानी पे तो मतलब इलेक्शन कमीशन पे तो इल्जाम लगा है ना, नहीं कहा ना कि धांधली नहीं हुई, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को क्लियर किया। और अफजल खान साहब की बात, उन्होंने धांधली पे जो इल्जाम लगे थे ना, आप जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो था ना, इन्हें होना तो ये चाहिए था कि कौन को बताते क्या गाय क्या है, वो उसके पीछे पड़े हैं, उनकी शख्सियत के पीछे। देखे हर शख्स मुतनाजा हो, मैं भी मुतनाजा। अच्छा, एक बात उन्होंने एतराफ किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आरोज हमारे अंडर नहीं थे। देखें कंट्रोल हमेशा, आप इलेक्शन कमीशन क्यों बनाएंगे आप मुझे बताएं? आप इलेक्शन कमीशन रिस्पांसिबल होता है, अब सारे हम बैठे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन जिन आरोज के जरिए इलेक्शन हुए वो आरोज जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं थे। ठीक है, ठीक है, अब ये सारी चीजें होगी। हमने ये कहा कि अगर जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेके शरपाव खान साहब और भी जितने थे, इवन नवाज शरीफ साहब की जो पहली स्पीच थी, मेरे इलम के मुताबिक जो मुझे बताया गया कि मीडिया पे पहली स्पीच उन्होंने कहा कि जी दांगी हो रही है सिंध में, सिंध के हवाले से कहा मौलाना साहब ने, कहा एपीके में हो रही थी पहले, वो बात देखो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर दांगली हुई है तो इसको वंस फॉर डिसाइड करना चाहिए। जब दांगली हुई तो इसके क्यों तहकीकात नहीं हो रही थी? ये जो 1.25 साल गुजारा इमरान खान साहब ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि इसकी तहकीकात इफ्तिखार चौधरी साहब ने नोटिस दिया, इमरान खान साहब ने कहा इतनी वसे पैमाने पर धांधली हुई और उन्होंने कहा मरकजी किरदार इसका इफ्तिखार चौधरी थे, तो वो सिर्फ ये और बता दें कि वो जो नोटिस का आपने रिप्लाई किया उसमें ये बातें आपने क्यों नहीं की, आप क्यों भूल गए? जो आपने नोटिस दिया, नहीं ट्वीट नहीं, नोटिस का जवाब की मैं बात कर रही हूँ, कानूनी तौर पर आपने क्या जवाब दिया उसमें आप ये भूल गए कि वो मरकजी किरदार थे, ये आपने मेंशन नहीं किया। उसमें आप ये भूल गए कि उन्होंने आपके मैंडेट को चुराया, ये भी बात नहीं की गई। उसमें आप ये भी भूल गए कि इलेक्शन कमीशन को वो अपनी उंगलियों पर उंगलियों के इशारों पर चला रहे थे, आप ये भी भूल गए। उस वक्त आपको उनकी खिदमत याद आ गई जो उन्होंने अदलिया के लिए दी, ये यू टर्न नहीं है, यू टर्न नहीं है। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, यू टर्न नहीं है, फिर क्या है? हम तो अभी मेरे ख्याल से खान साहब का ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने जो कहा है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में मैं उस पर कायम हूँ, अदालत में ट्वीट नहीं जाएगा। मैं उसको नहीं पता, उसका उसमें यही बातें जो मैंने कही उसका नहीं पता है। आप तो साथ साथ हैं, उनके पता होना चाहिए। देखिए जो कानूनी पहलू होता है, जो कानूनी जवाब देना होता है, उसका मुझे नहीं पता। अहमद खान माजरत कर लें बात पे, फिर आप मैं क्या आपको तो फिर आप कह रहे मुझे पता नहीं है। देखें आपने अपने नोटिस में ये कहा कि इमरान खान ने गलत अल्फाज, एक सेकंड, गलत अल्फाज का दें, गलत अल्फाज का जो है वो चुनाव किया और उसकी वजह उनकी मायूसी है और जोश खिताबत है, यही बात आपने की। तो फिर हम ये क्यों ना माने कि ये भी उनकी मायूसी है जो वो धरने को
दे के बैठे हुए, मायूसी है वजीर आजम नहीं बन सके, मायूसी है इलेक्शन नहीं जीत सके। मैं आपको यहाँ बता दूं, देखें ये पूरे पाकिस्तान गवाह है और ये कम अज कम एक तारीख बन चुकी है। ये तारीखी वाकया है कि इस वक्त एक सिस्टम को जो कि ऐसा सिस्टम है जिसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, उसको चैलेंज किया गया पहली दफा। क्यों कहा मायूसी और की उस नोटिस में क्यों कहा? आप शेख साहब इनको नोटिस नहीं है, नोटिस पढ़े जब तक नहीं, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, पॉलिटिकल बातें कर सकता हूँ। कानून की बात करें तो अहमद खान साहब को बुला मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ कि ये जो है हमारे जो सिस्टम है स्टेटस को वाले, आज देखे ना आपने कहा मौलाना फजल रहमान, मेरी बात सुनो, चाहे आपका अदालत में हो मैं ठीक कह रही हूँ या फिर आप एज अ मेरी बात सुन रहे, आपने कहा मौलाना फजल रहमान ने भी इल्जाम लगाया, आपने बात तो की है ना, सारे कौम ने तो सुन लिया ना। मैं आपको कहता हूँ कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि धांधली हुई तो हम इलेक्शन के लिए तैयार है, केपी के अंदर कोई है सामने आ जाए हम तैयार है इलेक्शन के लिए। जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पे नहीं, बहाने ढूंढने की बात नहीं है, देखिए परस बात है कि इस मुल्क में अरबों अरबों रुपए लोगों ने डकार लिए, कहाँ है सबूत? अच्छा एक नोटिस पढ़ लेना फिर आगे उसमें से और भी बातें करनी पड़ेगी। कानूनी बात मैं बता रहा हूँ, कानूनी बात करनी है तो मैं अहमद खान साहब को बुला रहा हूँ, आपको कानूनी जवाब देना है, उनको भी शामिल कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा। राणा साहब, अफजल खान साहब ने बगैर सबूतों के अब सारी बात जो है वो खोल कर रख दी है, तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि कितनी आपका जो मैंडेट है और आपकी जो जीत है वो कितनी मशकूक है, ये सबूत मांगेंगे? देखिए जी, अफजल खान साहब का जहां तक अपना सवाल उठता है कि वो किस पोस्ट पे काम करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का अगर आप देख लें, जो एक डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी होता है उसकी कोई से नहीं होती, वो एक पोस्ट होती है जो बेखा 20वें या 21वें की होती है, सेक्रेटरी से 21 की होती है, उसको साइड पे रखा जाता है और ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी से ज्यादा वहां पे बात होती है। आंखें बंद हुई भी होती है सर, उस पे भी आ रहा हूँ, आंखें उसकी पोस्ट खत्म, उसकी आंखें बंद इस तरह होती है कि ना वो किसी मीटिंग में जा सकता है, ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन, ना वो किसी मीटिंग में बैठ सकते हैं, ना उनको वहां पे कोई इनसाइट। हाँ, अब वो कहेंगे नहीं मेरे पास ये मुझ पे एकदम वहां पे रिवील हुआ, वही नाजल हो गई मुझ पे, ये धांधली हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि आप पूरी कौम के सामने, आपको फेसबुक पे आपकी तस्वीरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है, आप इमरान खान के साथ, आयशा गुले लाला, इमरान खान आप पीछे बैठे हैं पिशावर में, चले इस जलसे को तो छोड़ दें, यहाँ पे तो हमने कहा कि चलो दुनिया मेला देखने काफी ज्यादा आ रही जा रही है, उसमें एक साल की खामोशी भी रही, उसके बाद आपने कह दिया कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, उधर इमरान खान साहब जो है वो खुद कह रहे हैं कि भाई देखिए चीफ जस्टिस किस तरह से अंदाज हो गए, अब आरओज जितने भी हैं आरओज को तो अपॉइंट करता है उनका कंसर्न लाहौर हाईकोर्ट या सिंध हाईकोर्ट या बलोचिस्तान हाईकोर्ट या केपी के हाईकोर्ट, वो तो चीफ जस्टिस के नीचे फॉल ही नहीं करते। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस बताना ही है, चीफ जस्टिस के पास कौन गया? चीफ जस्टिस के पास इलेक्शन कमीशन गया, फखरुद्दीन इब्राहिम ने दरख्वास्त दी कि जनाब हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें आरओज के तौर पर जजेस चाहिए, तो उसके फखरुद्दीन इब्राहिम को किसने भेजा? इमरान खान भेजा कि जाओ मुझे आरओज जजेस चाहिए। इमरान खान साहब ने ये आज फिर यू टर्न ले लिया, पहले वहां पे यू टर्न, पहले फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बुरे हुए, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब बुरे हुए, पहले उसे पहले परवेज मुशर्रफ साहब बुरे हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की उनकी आज फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने बैठ के उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। बिल्कुल ठीक, देखिए लेकिन अब चीजें जो इल्जाम और बातें हुई है ना कल अफजल खान साहब ने की, वो चीजें अब ग्रे हो गई हैं, तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं कि आप अपने मैंडेट को, जो हैवी मैंडेट है आपका वो, और अपनी जीत जो है उस अपनी साख की बहाली के लिए अब चीजों को व्हाइट एंड ब्लैक करें? और कियानी साहब अगर नियाज आसिफ के साथ कल कोई तस्वीर खिंचवा लें तो क्या फिर हम ये समझें कि फिर उनका टिल्ट उनकी तरफ है? जो भी आपने पॉलिटिकल पोजीशन में एक जलसे के अंदर पीछे बैठ के गुफ्तगू, कियानी साहब अगर पीछे बैठ जाए दूसरी और एक बात बता दूं जो बड़ी है, उन्होंने चौधरी निसार का बात की कि चौधरी निसार साहब ने कहा कि जी मैंने 60-70% वोट जो है बोगस है। अब ये वही बात है जो इमरान खान साहब करते हैं, इमरान खान साहब और ये एक ही पेज पे है। अब बात क्या है, जो असल इशू है, जो खान साहब को चौधरी निसार साहब इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नॉन वेरिफाइबल वोट्स को बोगस वोट्स मत तसव्वुर करो। अच्छा, नॉन वेरिफाइबल वोट्स किसने बताया वजीर दाखिला? नॉन वेरिफाइबल वोट्स वो होते हैं जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम, मैं गुजारिश कर रहा हूं ना, बायोमेट्रिक सिस्टम की मशीनें उसको यही तो प्रॉब्लम है किस तरह है भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं गैर तस्दीक शुदा है, वो गैर तस्दीक शुदा नहीं है, वो तस्दीक शुदा है,
तीन स्टेप होते हैं, नादरा ऑर्डिनेंस अमेंड हुआ था उसके बीच में कहा था कि जो वोटर लिस्टें बनेंगी उसके बीच में आप तस्वीरें भी आवेजा करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर पहले हुआ करते थे। दो स्टेप्स उसके प्रोसीजर के ये है कि वोटर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने तस्वीर कंपेयर की पोलिंग स्टेशन पे आधे वेरीफाइड आधे अनवेरीफाइड में। ये कवर लिचा साहब से पूछ लूं प्लीज, कवर लिचा साहब ये जो अनवेरीफाइड वोट की बात हो रही है इसकी इसकी क्या अहमियत है, इसको कैसे इसकी क्या हैसियत है, मतलब ये जाली वोट है या फिर क्या इसके बेसिस पे इसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन को रिग्ड कह सकते हैं? असूरी तौर पर जाहिर है कि उसमें जो हमारी बनी थी इंतहाई फरिश्ते ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमारे इंतहाई फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें तस्वीरें भी थी। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि आपने अगर जो ही बैलेट पेपर वसूल किया तो उस पर अंगूठा लगाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद काउंटर फाइल पर अंगूठा लगाया जाता है, काउंटर फाइल की बैक पर पीछे भी लगाया जाता है, बैलेट पेपर पर दस्तखत होते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, बाकायदा मोर लगती है, इनिशियल होता है, एक कोड नंबर भी दिया जाता है जो खास होता है स्पेशल। अब अगर ये तमाम चीज़ें अगर वो नहीं है तो ये तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये फैसला है, अगर ये तमाम चीज़ें ना हो तो वो वोट जारी करा दिया जाता है। सवाल ये है कि उसी पोलिंग स्टेशन में आधे वेरीफाइड हो रहे हैं आधे जो हैं वो गैर तस्दीक शुदा हैं, ये कैसे? ये तो तस्दीक से मैंने अर्ज किया, अगर ये तमाम चीजें पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फिर उसको नाकिस हो या जाली हो वो उसमें मुस्तरद कर दिया जाता है, वो उसके हक में वोट नहीं जाता। क्वेश्चन मार्क है ना उसके ऊपर? तो बकायदा फैसले हैं ये, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। ठीक, आप कहना चाह रहे हैं मैं ब्रेक ले लूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? ठीक, अच्छा आप ये एक और सवाल पूछा कि वजीर दाखिला को किसने बताया, इनसे पूछा वो बता दे जरा, उनका भी जवाब दे दे फिर ब्रेक के बाद। दाखिला कितने इलेक्शन लड़ चुका, आठवीं दफा मेंबर कैसे पता चला कि उसको नहीं पता होगा इलेक्शन प्रोसेस राम हो गया, मुझे नादरा ने बताया। मैं आपको बताता हूँ ये नादरा से और ये मुझे खुद मैंने देखे, आपने जब पहले तो नहीं खोले, जब इलेक्शन आपने लड़ना होता है आपको ये नहीं पता होता कि इलेक्शन डे पोलिंग डे किस तरह होता है, आपने पोलिंग डे पोलिंग पोलिंग स्टाफ को आपने ट्रेनिंग देनी होती है, हम अपने पोलिंग ट्रेनिंग ली होगी ना सब, हम अपने पोलिंग सील्ड जो बैग्स है वो खोले तो नहीं। देखिए उन्होंने सील्ड बैग वाली बात नहीं की, वो कह रहे हैं कि जी नॉन वेरिफाइबल वोट्स निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब मशीनें और जब कागज और स्याही नहीं अवेलेबल तो नॉन वेरिफाइबल होंगे। अच्छा मैं एक सोल्यूशन देता हूँ, ये भी सुन लेंगे, इमरान खान साहब को तजवीज दे दें कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि बायोमेट्रिक सिस्टम ही उन अंगूठों को रीड कर सके, उन थंब इंप्रेशंस को रीड करने के लिए आपके पास फोरेंसिक एविडेंस है, जब क्राइम होता है तो क्रिमिनल के भी आप इंप्रेशन उठाते हैं ना, तो आप उस प्रोसेस से क्यों नहीं उठा लेते? ये टेक्निकल चीजों में ना डालें, मैं समझा कि ये कहीं बुरहान का सोल्यूशन दिखा रहा है, देखो इनको कोई फिक्र ही नहीं है, हालात की संगीनी का इनको बिल्कुल एहसास है कि मुल्क किस तरह जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या फिक्र रैलियां निकाल रहे हैं, हालात की संगीनी का ये अंदाज है इनके आपके बल्कि समा के इनके वर्कर्स ने एक लड़की की वहां पे जी, मैं तो कहूंगा मैं तो कहूंगा शायद बेचारी से रेप होने लगा था और वहां पे इनके बंदों ने जबरदस्ती आपसे भी वो छीना सारा कुछ, ये तो हो रहा है, इनको उसकी छीन ली थी, बल्कि इनकी आपकी समा की गाड़ी को आई थिंक वहां पे बल्कि बंदे को मारा पीटा, आज के बंदे को मारा पीटा गया, ये वहां पे हो रहा है, देख रहे हैं आपकी रैलीज में भी कुछ चैनल की गाड़ियों को निशाना बनाया गया वैसे, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना जो कल हुआ है। बुरहान पर आएंगे उसके हल पे भी आएंगे, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जी कि वो इलेक्शन वो जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात कर रहे हैं ना कवर दिलशाद साहब, और आप भी बताइएगा था कि मौजूदा हालात में वो काम कर सकता है इंसाफ के साथ अपनी तहकीकात कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा। अच्छा रामदास साहब एक छोटी सी बात बताएं फिर मैंने कवर दिलशाद साहब से मैं बात करूंगी, गवर्नमेंट जो कह रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कर रही है तो आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में तहकीकात सही कर सकेगी वो? अगर बिल्कुल कर सकेगी। देखिए मैंने एक ऑप्शन ये दिया है कि आप अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आए, सेक्रेटरी इलेक्शन ले आए, उसके बाद FIA का DG ले आए, और मैं आपको बार बार हर जगह पर यह मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन इतना पावरफुल होता है, जिस तरह NICL वाला केस था ना मोनोसलाई वाला, उसमें वो कुरेशी जो था एक DG FIA पंजाब, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया था कि उस बंदे को कोई ट्रांसफर ना करे,
लेकिन जो कमीशन आप लोगों ने बनाया वो तो कहा जा रहा है वो उल्टा इमरान खान साहब को कटहरे में खड़ा कर रहा है। नहीं, इमरान खान साहब ने अलेज किया है ना, एलिगेशन अगर मैंने लगाया तो प्रूफ भी तो मैंने करा, ऑनर टू प्रूफ मेरे पे। आप इलेक्शन ऑर्डर करवाए, इलेक्शन ऑर्डर इमरान खान साहब लिख के दे देना कि मुझे ये मेरे तहफात है और ये पूरा इलेक्शन ऑडिट है, ये आप कर दें हर हल्के का। क्या कहते हैं, क्या जुडिशियल कमीशन जो है वो तहकीकात कर सकता है इस सूरत हाल में? निकल असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो भिजवाया था रेफरेंस थ्रू लॉ सेक्रेटरी, उसका अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। असूली तौर पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 225 जो है वो उसके रास्ते में रिकावट है। आर्टिकल 225 में ये लिखा हुआ है कि जब पूरी असम्बलियाँ अपनी मुकम्मल हो जाए, पार्लियामेंट मुकम्मल हो जाए, हलफ हो जाए, तमाम मुकम्मल हो जाए, तो सवाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तो उसकी तमाम इसको पार्लियामेंट के इलेक्शन को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आर्टिकल 225 से इनराफ करते हुए अगर कमीशन बनाते हैं, ठीक है, उसकी सिफारशात होगी, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे हमद रहमान कमीशन बना था तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी सिफारशात होगी, उसकी सिफारशात होगी और लेकिन इलेक्शन के मामलात में उसकी मुदाखलत नहीं होगी। उनको मानना ना मानना फिर वो हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम। एक और बात है, उसमें बात ये होती है कि आर्टिकल 225 के पर अगर तरमीम करते हैं, जैसे कि अखबार आ रहा है कि हम आर्टिकल 225 में तरमीम कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान के आइंदा कभी इंतखाबात की कोई पार्लियामेंट बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसी वक्त इलेक्शन होते के साथ ही तमाम अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। तो आर्टिकल 225 मुहाफ़िज़ है, पूरी पार्लियामेंट का कस्टोडियन है कि बचाता है, सवाए उसके जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो हार्डली कोई 200-250 दरखास्तें होती हैं, उस पर अमल दरामद करें ना करें, साल दो साल चलता रहे केस, ठीक होता रहे, लेकिन जब पार्लियामेंट की तश्कील हो जाए, हुकूमत की तश्कील हो जाए, तो फिर उसका लिए बहुत मुश्किल तरीन मरहला है ही नहीं आर्टिकल 225 के तहत। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेडलॉक से कैसे निकलेंगे फिर? अब डेडलॉक का तो मेरा आसान तरीका था, हम ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त प्रेजिडेंट पाकिस्तान को कि अपना आईनी किरदार अदा करे, वो फेडरेशन की अलामत है, स्टेट की अलामत है, उसके तहत जैसे हमने अब जैसे डिस्कस किया था उसमें हमारी भी यही ख्वाहिश थी, उस पर हमने कॉलम भी लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं है, तीनों मुल्क स्टेट के ही है, तीनों फेडरेशन की अलामत है, ये ट्राइका बने, मतलब ट्राइका कह दे जो कह दे, उसमें फैसला करे कि मुल्क इस वक्त इंतहाई डेड लॉक पर चला गया है, लॉ ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में फैसला हो जाएगा। लेकिन उनका असर तब नहीं था जब 58-2B थी, अब तो वो नहीं है। 58-2 भी तो खत्म हो गई ना, लेकिन अब ट्रैकर बन सकता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेमो केस चला तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जवाब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर दायर हुआ, जिस पर जनरल कियानी दस्तखत हैं, जनरल पाशा दस्तखत हैं, तो इन हालात में भी ये बैठ सकता है। आखिर सदर पाकिस्तान किस काम के लिए है? सदर साहब जो हैं, जो सदर मुमलिकत है, वो तो वजीर आजम का चूज चूज किए हुए ना, वो कैसे उनके खिलाफ नहीं, कोई फलाह नहीं होता, वो नहीं, वो स्टेट के, वो मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदा नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इन हालात को वो स्टेट के मुहाफ़िज है, वो स्टेट की तैयारी के लिहाज से चीफ साहब इसके बाद सारा सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जी, जहाँ तक क्या होना चाहिए क्या करना जी, कमर साहब ने फरमाया आर्टिकल 225 वो तो बिल्कुल इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, और यही बात बार बार जो आ रही थी कि अगर धांधलियों का मामला है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन मामलों को हल करेगा, जैसे कि अभी कमर साहब ने कहा है। लेकिन ये बात तो नहीं हो सकती कि कोई रेफरेंस भेजा जाए, उसमें कोई पर्टिकुलर केस नहीं हम भेज रहे हैं, प्लीज मुझे मुकम्मल, उसमें हम कोई पर्टिकुलर केस नहीं भेज रहे हैं, कोई खास केस नहीं भेज रहे कि ये हम एक जर्नल कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बारे में जो प्रिसेप्शंस है या जो रिजर्वेशंस है मुख्तलिफ जमातों की, उसके बारे में एक इंक्वायरी आ जाए कि क्या वाकई ये इतनी बड़ी सतह पर हुई है कि इसमें वजीर आजम जी इनके इनके है ना, आप समझते हैं सिर्फ तहफुजात ही हैं जी, मैं तहफुजात नहीं है, ठीक है इनका क्लेम होगा, मैं जो बात अगली करने वाला हूँ वो दूसरी बात से मुझे सख्त इख्तलाफ है। ये कोई कानून में, कोई आईन में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, और कभी सुप्रीम कोर्ट बैठेगी भी नहीं, जमहूरियत की रूह के खिलाफ है जी, जमहूरियत नहीं आईन की रूह के खिलाफ, आईन की रूह के खिलाफ है कि वो ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, और अगर ऐसा करेंगे
तो मैं समझता हूँ कि आर्मी को एक किस्म की दावत दी जाएगी अफेयर में दाखिल होने की। सिर्फ एक सेकंड, जी जी, मैं पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मौजूदगी में नहीं कर सकता, ये जो सरवर खान केस था इस पे सो मोटो एक्शन क्यों लिया चीफ जस्टिस? मैं बताता हूँ, ये आपको शायद नहीं, क्योंकि मैं उसमें वकील, ये सो मोटो नोटिस नहीं था। अपीलों में ये मामला ऊपर तक गया है, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, मोटो नोटिस नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल नोटिस नहीं। देखिए पहले तो दुरुस्त करें ना, वो सुबह मोटो नोटिस नहीं था, बाकायदा तौर पर सरवर खान साहब का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया था केस। किसका? सरवर खान वाला नहीं किया था, नहीं था। किस तरह आप कहते हैं? लेकिन हाई कोर्ट और नौ महीने उनको मुअत्तल क्यों रखा? नौ महीने उनको मुअत्तल क्यों रखा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं केस रेफर किया गया? कैसे बात की है? सर इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस भेजना चाहिए था बजाय इसके कि सरवर खान केस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेजा जाता, वो भी दोष बेचारे को नौ महीने मुअत्तल रखा गया। बात ये भाई, वो बात ये होता है जी, जुडिशियल ज्यूरिसप्रूडेंस होता है वो जब जी चाहे कर सकते हैं, जजेस की प्रोग्रेसिव डिस्क्रिशन होती है, तो वो इसका मतलब अपनी मर्जी है, बस मर्जी है ना, वो कर सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? कैसे धांधली हुई है और किसने धांधली की है, या धांधली से पर्दा कभी नहीं उठ सकता क्योंकि इतने मुनज्जम तरीके से हुई है। जरा ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, देखते रहिएगा समा। अच्छा एहसनुद्दीन शेख साहब, क्या इस बात से कभी पर्दा उठ सकता है कि धांधली कैसे हुई, धांधली किसने की, या कभी भी इस बात से पर्दा नहीं उठेगा? क्योंकि वो पहले जो हम बात कर रहे थे, इतने मुनज्जम तरीके से, अच्छे तरीके से की गई है कि वो पर्दा उठ ही नहीं सकता उससे। देखिए जहां तक धांधली का तल्लुक है, इसमें बिल्कुल सही बात है कि सारी जमातों की रिजर्वेशन, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि अब एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है इस सिस्टम को तब्दील करने का, और पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम यानी आप देखें रियलाइज किया गया, तमाम जमातों ने 22 रुकन कमेटी बनाई है जिसमें बड़े अच्छे ब्रेन है, जो मैं समझता हूँ कि कुछ कर सकते हैं। आप उसमें देखें रजा रबानी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, एतजाज आसम साहब जैसे, इनकी अपनी जमात के जो हैं जो सरकर्दा लोग हैं वो मौजूद है, बाकी इन्हीं लोगों ने 18वीं तरमीम की थी जिसमें इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ही बेख्तियार कर दिया। नहीं देखिए 18वीं तरमीम के मुस्बत असरात को भी तो देखे ना, हर चीज क्रिटिसिज्म में तो नहीं जाती है, उन्होंने ओरिजिनल जो है आईन को एक असल शक्ल में लाने की सूबों को बहुत बड़े इख्तियारात वापस किए, प्रेसिडेंट से इख्तियारात वापस ले लिए, पार्लियामेंट को ज्यादा बासर बना दिया गया, उसमें ये चीजें हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि धांधली से पर्दा तो तब उठेगा कि कोई ठोस एविडेंस लाई जाए। चलिए ठीक है, मैं एक कॉल भी है, लेकिन वो कहा जाता है आप ही के चीफ जस्टिस ने पिछली पार्लियामेंट को जीने नहीं दिया, और जिस पार्लियामेंट को जीने नहीं दिया था ना, उन्हीं के एक मेंबर इस वक्त हमारे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद अली साहब, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लूं। सईद अली साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सईद अली साहब, अफजल खान साहब ने जो कल इंकशाफात किए हैं, जो बगैर कहा जा रहा है सबूत तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने राज पर्दे सारे उठा दिए हैं, तो कोई तब्दीली सूरत हाल में होती हुई देख रहे हैं? फिर आप क्या कहते हैं इस पर, और इस वक्त में क्यों सामने आए हैं, क्या ख्याल है उनका? पारस, पहली बात तो यह है कि अफजल खान साहब ने कौन सी ऐसी नई बात की जो पीपल्स पार्टी पहले नहीं कर रही थी, या इलेक्शन से पहले नई बातें नहीं कही हैं? हम ये सारी बातें इलेक्शन से पहले भी करते रहे, इलेक्शन के फौरन बाद भी करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पीपल्स पार्टी कहती है तो ना वो मीडिया को नजर आता है, ना लोग उस बात पर यकीन करने। सईद अली साहब वो इनसाइडर हैं, उनकी बात की देखें, वो अगर ये बात करते हैं तो उसकी फिर उसको कुछ और उसमें देखा जाएगा ना, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से बात करें। मुझे जरा बात जी प्लीज देखें, अफजल साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे, दीदार आदमी रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती हमारे अफसरान जो है ये रिटायरमेंट के बाद जाते हैं कि जी हमसे बेजमीरी हो गई और हमारे बस में ये चीजें हुई वो चीजें हुई, जब ये औहदों पर बैठे होते हैं उस वक्त ये शरीक होते हैं उन तमाम जराइम में, और उस वक्त अगर ये अपना किरदार अदा करें जो इनकी जिम्मेदारी है तो शायद इतना बड़ा जो बहरान इस मुल्क में उससे बच सकते थे। अगर अफजल साहब उस वक्त ये बताते हैं कि क्यानी साहब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और दीगर ये अफराद हैं जो इलेक्शन को फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होने दे रहे हैं, या ये सियासी जमातें हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, तो शायद अगर ये इशू उस वक्त टेकअप होता
तो बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जा सकते थे जो बुराइयां उसके अंदर थी उनको रोका जा सकता था, लेकिन उस वक्त वो चुप रहे, खामोश रहे। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ है जी, उसमें जो जो भी जिम्मेदार है उसमें अफजल साहब जैसे लोग भी उतने ही शरीक हैं जितना कोई और है। दूसरी मैं आपसे अक्सर हूँ, देखिए जो पिछली पार्लियामेंट थी उसने आखिर में एक कमेटी बनाई थी सेनेट की जो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, मैं उसकी मीटिंग में रेगुलर जाता था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शौक है कि इलेक्शन के सारे मामला। तो उस इजलास में और जब आखिरी इलेक्शन के करीब करीब आ गए तो एक खत लिखा उस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को थ्रू सेक्रेटरी, उसमें हमने ये कहा कि ये इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है हम इसको जो है वो मॉनिटर करना चाहते हैं। वो कमेटी पार्लियामेंट की थी, कोई पीपल्स पार्टी की नहीं थी, कोई हुकूमत की नहीं थी, हम करना चाहते हैं। जवाब में इतना सख्त उन्होंने जवाब में भेजा कि आप लोगों ने ये खत में लिखा कैसे है, आप होते कौन है जो हमें आप सुपरवाइज करेंगे और मॉनिटर करेंगे और देखेंगे। हमने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर भी कदम नहीं लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो पूरा इलेक्शन हो रहा है इस मुल्क के अंदर उसमें किस तरह से चीजें की जाती हैं, अगर किसी को शिकायत है तो हमारे सामने होनी चाहिए। उन्होंने नहीं करने दिया, पार्लियामेंट के सामने वो खड़े हो गए और जुडिशरी के सामने हथियार डाल दिए। जुडिशरी के सामने हथियार नहीं डाले थे, ये तो बिल्कुल लेटे हुए थे, जुडिशरी इनको रोंद रही थी। ठीक। और उस वक्त पीटीआई चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पीछे खड़ी थी और हम ये सुबह शाम कह रहे थे, मेरी तकरीर रिकॉर्ड पर है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इलेक्शन को तबाह कर रहा है और वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ठीक। क्योंकि ये बात पीपल्स पार्टी कह रही थी इसलिए किसी को हजम नहीं हो रही थी। तो ये सारी बुराइयां सारी खराबियां जिनकी आज पीटीआई निशानदेही कर रही है, अफजल साहब बता रहे हैं या और लोग कह रहे हैं, हमने इलेक्शन से पहले बताया था कि ये सही नहीं। साहब एहतियात से बात करें, वो चीफ जस्टिस साहब के वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसे दिन शेख साहब ये ना नोटिस आपको भेज दें। अच्छा पारस मेरी बात सुने, मैं उन लोगों में से हूँ जो इफ्तिखार चौधरी जब बिल्कुल छठे सातवें आसमान पे खड़े थे, जब किसी को बोलने नहीं देते थे, मैं उसको भी बोलता था, मीडिया में भी बोलता था, पार्लियामेंट में भी बोलता था और मैं इंतजार कर रहा था कि शायद मुझे कोई नोटिस भेजे तो मैं उस नोटिस से जाके जवाब दूं। ये बेशुमार लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें नोटिस भेजा जाए, हमारी अहमियत बढ़ाई जाए, ये बेशुमार लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आपका अपना एक क्लेम है लेकिन जो बात जबानी कलामी नहीं है कोई, हम तो चाहते हैं कि कोई फलाने तकरीर कर दी, और बात सुन ले वो कुछ केस बता रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा जी, कौन सा केस तकरीर कर दी, फलाने ये कह दिया, फलाने फैसल साहब को भी नोटिस नहीं भेजा, वो भी बड़ा खुले आम कह रहे थे नोटिस भेजो करा जाने से उसे हम नोटिस दे देते, वो तो बड़े जमानतों से लगा रहे होते थे, उन्होंने तो केस तैयार किए थे कि ये प्रोग्राम होते हैं संजीदा किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उनको इतना शौक था तो चला जाता ना कोर्ट में, आप बुला लेते ना, क्यों हम क्यों बुलाते, हम उसे बेसलेस समझते थे, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं थी, हम क्यों उसे हर किसी को आप बुला रहे थे, किसको नहीं बुलाया, करप्शन केस थे, मैं बताता हूँ किसको बुलाया, स्टील मिल वालों को बुलाया है, यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया, मैं बताता हूँ जो हज स्कैम में मुलव्वस थे उनको बुलाया है, अमीन फहीम साहब को बुलाया, मैं 3 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में चले गए थी, बुलाया ना, तो फिर इनको पैसे वापस हुए पंजाब बैंक के करोड़ों अरबों रुपए पैसे वापस हुए। और एक और बात सुनिए, सही दिन साहब की बात सुने फिर मैंने उनको बुला दी, जी सही दिन साहब बाकी तो सारी बातें छोड़े, जरा इनसे पूछे बाबा रवान साहब को किस केस में नोटिस दिया था जी, उन्होंने क्या कहा था, बाबा रवान ने क्या कहा, बाबा रवान ने इशारे करके कहा था कि पत्ता भी नहीं हिला और फिर उसके बाद वो जो कुछ हुआ वो तो फिर सब कुछ हिला नहीं, तो फिर उसके बाद क्यों माफी मांगी, अगर कुछ नहीं कहा था तो अदालत में अनकंडीशनल माफी किस लिए मांगी, ऐसे न करे, आप जब पैदा भी नहीं होते, मैं पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी था, मैं पीपल्स पार्टी का पॉइंट कम्प्लीट हो गया आपका मैं आज करूँ, देखें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब हटे हुए थे मैं 2 मरतबा उनके लिए गिरफ्तार हुआ, 12 मई को मैं मरते मरते बचा, अल्लाह ताला जिंदगी दे, मैं खुद 12 मई को कराची में था। मैं एक ट्रेड यूनियन वर्कर हूँ, मेरा एक केस उनके सामने लगा, केस में जितनी बददियानती बदमाशी उस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने की, लैंग्वेज तो कम से कम, ये आप पार्लियामेंटेरियन है,
ये लैंग्वेज है आपकी, मुझे तो शर्म आ रही है कि आपकी लैंग्वेज है ये, मुझे नहीं अच्छा लगा। आप नहीं ये क्या आपके खिलाफ केस हो गया तो फिर गालियां निकालने शुरू कर दें। डिसेंसी डिसेंसी वो बद्यांती को बद्यांती नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे, बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट है ये, आप पार्लियामेंट का मेंबर है, ये गलत है, गलत है, ठीक है। इस पर मैं एहतजाज करूंगा, ये इस तरह नोटिस भेज दें, नोटिस नहीं भेजूंगा, इनके लिए अपनी लोग सजा देंगे इन लोगों को। ठीक, बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी का असर देख लें। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा एक मिनट शुक्रिया ऐड करने, थोड़ा सा आगे। मोहतरमा कहती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लोगों ने इस पीपल्स पार्टी से इन हरकतों की वजह से रिवेंज लिया है, आज एक सुबह में महदूद होकर लाइन उनकी ड्रॉप हो गई, उनको कह दिया आगे बढ़े। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, अब जो जमहूरी कुव्वतें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जमहूरी कुव्वतें जो इस वक्त आपकी हिमायत में आपके साथ खड़ी हैं, जो रैलियां निकाल रही थी हैं, वो सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो उस वक्त ये जमहूरी कुव्वतें कहाँ थी, उस वक्त सिर्फ मुजम्मत और आज रैलियां क्यों? देखिए जी, सानिया मॉडल टाउन जो है उसकी मजम्मत पहले दिन से मुस्लिम लीग नून भी करती आई है और मैं खुद भी जहां पे भी जाता हूं ये हमेशा बात होती है, कभी डिफेंड नहीं किया सानिया मॉडल टाउन को, और उस पर हम ये कह चुके हैं कि जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी देखें जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी अब कह रहे हैं कि आ रही है आज कल में, कल रिपोर्ट भी हुई थी, मैंने भी ढूंढ ली, अगर वो अगर जो भी बात आती है कमीशन की इंक्वायरी में हम उसको मानेंगे, वो तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं जो भी इंक्वायरी आएगी उसको मानेंगे। भी तो होते हैं ना, जब आप एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव ये जो 12 मई हुआ यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन और परवेज मुशर्रफ पूरी कौम को मुक्के दिखा रहे थे, उस वक्त वहां पे वजीर आला सिंध जो थे और वहां के होम मिनिस्टर, वहां के होम सेक्रेटरी, वहां के चीफ सेक्रेटरी, कोई बंदा तब्दील हुआ? हमारी वाहिद हुकूमत है जिसने पहली दफा ये किया कि उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपना लॉ मिनिस्टर फौरी चेंज किए, कंसर्न पुलिस ऑफिशियल चेंज किए और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस इंक्वायरी में, हमजा शरीफ से जो लाहौर में जबान इस्तेमाल किया आप उसको डिफेंड करेंगे? मेरे ख्याल से हमजा शहबाज साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, जो इमरान खान साहब यहाँ पे पिछले दो हफ्तों से कर रहे हैं, आप भी गलत करेंगे, उनको उनको अब खुद होश के नाखून लेने चाहिए कि वो अब सब्र के पैमाने निकालती हुकूमत रैलियां निकालती है, आप समझ रहे हैं हमारे जो वर्कर्स हैं, आप मेरी बात सुने, मैं आपको भी बताया था हमारे वर्कर्स जो हैं वो मैं ऐसे से मैसेज कर रहे हैं और अब तो रोक रहे हैं। मैं तो उन लोगों में हूँ जो कहता है गवर्नमेंट को हुकूमत पर क्या आ रही है, आप मुर्दगान साहब को जो टर्की के उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, ये ना हो कहीं कुर्बान नहीं ना हो जाए। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जहां तक हुकूमत का ये है ना कि अपने आप को या अपनी, अब प्रॉब्लम क्या है, नवाज शरीफ साहब सब्र तहमल से काम ले रहे हैं, इमरान साहब की किसी, मुझे ये बताया मियां नवाज शरीफ ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया इमरान खान ने, जो यहाँ पे उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है पिछले दो हफ्तों से, पूरे दो हफ्तों से तूफान बदतमीजी ने बर्पा किया हुआ है, क्या हमारी क्यादत की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक छोटा सा भी इमरान खान साहब के ऊपर तनकीदी बयान है? जवाब नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं बैठो, जब तक बैठ सकते हो बैठो, यही तो बात है ना, सब्र और तहमल की बात है। फेले और बड़े फेले हो रहे, देखें ये ऐसा नहीं हो सकता, ये आवाम बैठी हुई है और ये जो हम कहते हैं ना मुगल बादशाह, अवाम वो भी बाहर निकाल रहे हैं काम रैलियों के नाम पर, हुकूमत का काम ये नहीं होता, अवाम को अवाम के सामने ला रहे हैं। देखिए ये रियासती मशीनरी इस्तेमाल करना, वसायल इस्तेमाल करना, ये कहीं जेब नहीं देता, ये हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत के पास हिकमत अमली होती है, उस हिकमत अमली के जरिए से मिसाइल को हल कर देते हैं। हॉस्पिटल अब हेलीकॉप्टर तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं केपी के गवर्नमेंट का, छोड़े ना केपी के गवर्नमेंट और आ जाएं यहां पे, फिर हम देख रहे हैं रियासत की मशीन भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आवाम आवाम से लड़ेगी अल्लाह ना करे, अगर ये आवाम के प्राइम मिनिस्टर होते, आवाम के वोटों से सही मैंडेट जाली ना होता ना इनका, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये दूसरे दिन पहले दिन आके जो है ना आवाम के बीच में घुल मिल जाते हैं और आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक कमीशन बन जाता है, जिस तरह भुट्टो साहब जाली की बात करते हैं, मुस्कुराते क्यों हैं? कबदल जाना नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जाली ने मेरी बात मुकम्मल होने से ना, देखिए ये नहीं है, देखिए ये नॉन वेरिफाइबल वोट्स की बनाई है, अगर वहां पे इनके जो लोग अभी जो जा के जो पैरों पे हाथ रखते हैं, मुजाकिरात कर ले, ये लोग अगर शुरू दिन से इनके मुंह सही चलते हैं और ये आके जो है ना जिस तरह ये कह रहे हैं मुके दिखाते ना, ये अगर अपने जबानों पे काबू पा लेते शो में तो आज ये सूरत पैदा ना होती। मैं उनसे एक सवाल करूं फिर उनको हम इजाजत देते हैं। कवर दिलचा साहब एक बात, एक तो जाली मैंडेट पे क्या आपको मतलब कोई, मैं आसान तरीका बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 14 ओरिजिनल जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने तैयार किया वो और फॉर्म 16 वो दोनों वेबसाइट पे पेश कर दें तो खुद ही आवाम सिविल सोसाइटी वो देख लेंगे कि फॉर्म 14 में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 16 में क्या है, तो दस्तखत है, अंगूठा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर्म 14 की, वह क्या प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने मुकम्मल की है, कोई जाली तो नहीं है, सफेद कागज पर तो नहीं है, वो बिल तो यही चाहते हैं ना, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आसान तरीका है। हमारे जब मैं सेक्रेटरी था, आप यकीन जाने कि जस्टिस थार साहब ने बड़ी हमारी तारीफ की, उस जमाने के हिसाब से बात करता हूँ, हमने ये फॉर्म 14 और फॉर्म 16 वेबसाइट पे पेश कर दिया,
जी, हमने पूरी पोलिंग स्टेशन की स्कीम हमने 15 दिन पहले इलेक्शन से चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तखार अहमद चौधरी साहब के हुक्म पर हमने वेबसाइट पेश कर दिया ताकि घोस्ट पोलिंग स्टेशन तस्वर ना सामने आए। इसी तरह पूरे इलेक्टर रोल करता हूँ, ये जवाब दें यार, इलेक्टर रोल जो है इलेक्टर रोल जो है वो भी हमने वेबसाइट पे, वो भी जस्टिस इफ्तखार हुक्म पे की। अब ये हम चाहते हैं कि फार्म 14 और फार्म 16 आसान तरीके वेबसाइट पेश कर दें तो हकीकत सामने आ जाएगी, लोग देख लेंगे। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं सर कि आप ये समझते हैं कि जब आरोज आए आखिरी वक्त में उन्होंने पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन ये चेंज नहीं किए थे? नहीं, वो चेंज किए, मैंने बताया ना मैंने उससे कितना प्रॉब्लम हुआ, वो तो बहुत प्रॉब्लम हुआ भाई, पोलिंग स्कीम चेंज हुई थी 11th आवर, उससे मालूम हो जाएगा ना। जो कि इलेक्शन से 15 दिन पहले जो गजट नोटिफिकेशन करना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर को, वो पोलिंग स्टेशन स्कीम वो भी दिखा दी वेबसाइट पर। अब फिर इसके बाद फॉर्म 16 के हिसाब से खुद ही मालूम हो जाएगा कि उसके साथ मुताबिक रखते हो जाते कंवर साहब, ये बार बार कहा जाता है, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि चौधरी साहब के कहने पर हमने किया और वाकई ये एक स्टेप, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि ये जब रिजल्ट कलेक्ट करें पोलिंग स्टेशन से तो उस वक्त पोलिंग एजेंट जो है वो रिजल्ट ले उसी में फार्म 14 पार्टी क्यों नहीं सवाल नहीं करना लग रहा सारे एंकर बता रहा हूँ कि इलेक्शन का पहला सूट ये है जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है कि अपना मुशतका रिजल्ट लिए बगैर आपने दफ्तर में नहीं आना, रिजल्ट कोई दे तो तब की बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इनको तो पोलिंग का बिल्कुल कहीं से होश के इलेक्शन लड़ा किस तरह जाता है। ठीक, कौदिल शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, बाकी सब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए क्या कर रहे हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, इमरान खान साहब गरजते तो बहुत हैं लेकिन बरसने की डेडलाइन नहीं दे रहे, रोज वो कल शाम की बात कर देते हैं, कल भी उन्होंने कहा था कि आज एक अहम ऐलान करेंगे और अभी हम सुन रहे थे उन्होंने फिर ये कहा कि कल शाम को 6 बजे सब आ जाना, वो अहम ऐलान क्या है और बरसने की डेडलाइन क्या है? देखिए पारस, हम पॉलिटिकल लोग हैं और जमहूरियत जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये तो नहीं कर सकते कि हम जो हमारे पास जो क्राउड है हम जाके कहें कि जी पार्लियामेंट पर अटैक कर लो, जाहिर अपने स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर ऐलानात और ये क्यों? नहीं, ऐलानात क्या मतलब, लोगों को इकट्ठा करना है और लोगों को ये होप दिलाना, लीडर का कमाल होता है कि वो ये कभी आपने देखा है, ये कोई भी इनमें से मुझे कोई भी अपना लीडर 10 दिन भी छोड़े 5 दिन ऐसा करके दे के सुबह रात को 2 बजे चला जाए और कहे जी 5 बजे फिर आना और ये इतने बड़े क्राउड आके दिखा दे मुझे। कल बुला लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया उसके बारे में क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, मैं तो पहले गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में बिल्कुल इस तरह ना करे, उनकी आपकी गुजारिश है लेकिन उन्होंने हुक्म दिया उस पे बताएं वो क्या। देखिए ये तो गवर्नमेंट की, अब इम्तिहान शुरू हो गया हुकूमत का ना, वैसे भी ये हुकूमत इसकी तो कोई हिकमत अमली है नहीं, आपने देख लिया कि ये जो सारे इश्यूज अब आ रहे हैं इनको, ये अगर 20 दिन पहले कोशिश कर लेते 20 दिन पहले कोशिश कर लेते तो बहुत सारी चीजें हल भी हो जाती, कानून अब अपना रास्ता खुद बनाएगा। जी तो इनके पास और क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये तो रियासती तशद्दुद जो मॉडल टाउन में हुआ उसी तरह हरकत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है साथ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट तो ये कभी नहीं कहेगा इनको मार दो, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे तो बिल्कुल कह दे, ऑर्डर कर दे कि मार दो। एक बंदा एहतजाज कर रहा है, अपना हक मांगने आ रहा है और किसके, पार्लियामेंट के सामने, जो वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि आवाम ने इनको मुंतखब किया है उनके पास जा रहे हैं, अब वो इतना खौफजदा है वो अंदर रोजाना खाली कर दें जगह। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारा, हमें तो नहीं कहा, हम तो आराम से, हम तो जी चौक में पाकिस्तान तरीके से, हम शरा दस्तूर पे नहीं है पारस, हमारा जो पीटीआई का जो है ना वो शरा दस्तूर पे नहीं है, हम डी चौक में है परेड ग्राउंड पे, उसने परेड ग्राउंड का नाम नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बात यह कि मतलब शारे दस्तूर इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे मैं इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा शारे दस्तूर आप लोगों की वजह से? नहीं, हमारी वजह से कोई मुतासर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मेरी गुजारिश है
कि एटलीस्ट इतने सारे जो लोग आए हैं अपने हक मांगने के लिए, फिर हुक्मरानों को कम से कम ये भी सिखा दे, क्लियर कर दूं कि ये जो अंदर बैठे हुए एयर कंडीशन कमरों में बाहर लोग देखें धूप में गर्मी में और बारिश में पड़े हुए हैं, कोर्ट ने एहसास तो होना चाहिए ना, लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इनके जमहूरी एहतजाज धरने के ऊपर कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा आप बेशक करें, आप एक दफा नहीं 100 दफा करें, हमें सिर्फ जगह का मसला है और हमें भी मसला है। देखिए मैं आर्टिकल 15 से लेकर 40 के स्क्रीन है सारे, वो मुझ पे भी अप्लाई करते हैं जी। ना मैं पार्लियामेंट का फ्रंट गेट यूज कर सकता हूँ वहां पे ये लोग बैठे हुए, ना मैं अपनी गाड़ी पे वहां पे महफूज तरीके से जा सकता हूँ, अगर गाड़ी मेरी जाएगी तो ये तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ने की मसाले साहब के सामने मौजूद है। कादरी साहब जो है वो अपनी जगह पे कह रहे हैं शिकार आ रहा है, शिकार पकड़ लो, शिकार इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये अब मुझे बताएं कि हमारे सीएत पाकिस्तानी शहरी और हम तो वो लोग हैं जिनके हलकों की वजह से ये निकले हैं, जिनके हलकों के वर्कर्स ने भी अब्रारुल हक की गाड़ी पे तोड़फोड़ की है, डंडे चढ़ने वाले। देखिए मैं तो भी कह रहा हूँ कि नून बराबर से हो रहा है, ये खुद भी रैली निकाल रहे हैं, नून को इंस्ट्रक्शन मिला है, आप निकल रैली निकाल रहे हैं, रैलियों का मुकाबला रैली से निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं हम तो सरगोधा जिला में निकाल रहे हैं, और हमारे तो वर्कर्स कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद लेके डिमांड क्या होगा, ये रैली में डिमांड क्या होगी, आपको डेंड नहीं कह रहे हैं खान साहब मिलियन मार्च का थ्रेशोल्ड रख ले तो हम मिलियन मार्च करते हैं, इसमें डिमांड क्या होगा, पारस हम डिमांड कर रहे हैं कि जाली मैंडेट है, हमारे वर्कर्स कह रहे हैं इसको छुट्टी दी जाए, करें जाके जुडिशियल कमीशन में जाके वापस छोड़ दें ना, आप छोड़ दें इत्तेदार से हट जाओ, आप जुडिशियल कमीशन में जाएं वहां पे इंक्वायरी ज्वाइन करें और साबित करें, एतबार नहीं है, हम कह रहे हैं कि छोड़ देंगे, आप साबित करें, पूरी दुनिया देख रही है, मैं क्या समझ रहा हूं, मैं के बैठे खान साहब ने यू टर्न लिए, आज उन्होंने फिर एक नया यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में लिया, लेकिन खान साहब ने आज तक कभी यू टर्न नहीं लिया है, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब जाना होगा और यहां देख लेंगे इंशाल्लाह, खान साहब आप यहां पे देखेंगे खान साहब भी हैं, एक बात पे डटे हुए हैं वो, इस्तीफा लिए बगैर नहीं आज सर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आप ये बात कर रहे हैं अभी, फिर वो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या वो नोटिस पे बात करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पेश हुआ तो जो पीटीआई के वकील थे अहमद खान साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हम तो शायराए दस्तूर पर नहीं बैठे हुए हैं, जबकि अली जफर साहब जो के उनके वकील थे कादरी साहब के, उन्होंने कहा जी कि हम आईन और कानून के दायरे के अंदर रहकर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फरमाया, चीफ साहब ने और बाकी कि हमें खुद जो है इतनी डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं कि हम तो कोर्ट तक वो पैदल वहां से निकल कर आते हैं, जी मेरी बात सुन, पैदल निकल कर आते हैं और आज हालत यह है कि किसी बेंच में वकला साहबान पेश ही नहीं हुए, मेरी अपनी कार की बाकायदे तौर पर तलाशी हुई, बल्कि मेरी तो फिजिकल भी उन्होंने तलाशी ली, हालत यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस जो है, जो डंडा बरदार खड़े थे हुकूमत ने करा, इनके लोगों ने डंडे पकड़े, वो मेरा ख्याल है कादरी साहब का डंडे थे, लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त जो एक जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी गालमन साहब का मिसाल, उन्होंने कहा जी कि हकूक का तो मसला ठीक है आपके बुनियादी हकूक है, लेकिन बुनियादी हकूक वहां तक है जबकि दूसरों के हकूक में। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट के जो बोर्ड हैं अगर उन पे कपड़े लटकाने से वो नोटिस आप एक्शन ले लेते हैं तो वो जो सानिया मॉडल टाउन में 14 लोगों की हलाकत हुई है उस पे सुओ मोटो जरूर होना चाहिए, मैं कहता हूँ, क्या मैं कहता हूँ होना चाहिए, 14 जाने हैं वो, किसने ये कहा है, कोई वकील भी आपको ये नहीं कहेगा कि उस पर कोई जो है कार्रवाई ना हो, उन्होंने अडॉप्ट किया है लीगल कोर्स में, जब उन्होंने अडॉप्ट किया है तो दूसरी पार्टी को भी हक है कि वो उसको लीगल तरीके से डिफेंड करे, ठीक है, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा मुझे अगर जल्दी से टाइम, मैं सिर्फ दो फिक्र पढ़ता हूँ, मैं शुक्र गुजार हूँ इमरान खान साहब का कि चीफ जस्टिस साहब पर जितने धांधली के इल्जाम थे आज उस नोटिस में
उन्होंने सारे के सारे वादे कर दिए, दो से एक नहीं, उन्होंने कह दिया ट्विटर पे, उन्होंने ट्विटर पे कह दिया कि मैंने जो बात की है सुन ले, यही तो बता रहे जो उन्होंने कहा। देखिए आप मुझे बताएं, मैं जो बात कर रहा था, मैं जो बात कर रहा था ये था, ये जो रैलियां निकाल रहे हैं, हम तो बैठे हैं यार, रैलियां निकाल रहे, आपने खुद चैलेंज किया है रैलियों के, आपने रैलियों के चैलेंज किया था, फिक्र सुन ले, ये आपने सलाम पेश करते हैं, किस सलाम पेश करते हैं, ट्विटर पे अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान के आवाम पे जो एहसान हो रहा है सारी दुनिया, यू टर्न लेते हैं आप लोगों को, हमारे जो उसूली मौका है शुक्रगुजार हूं इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर, इस खान साहब ने कहा कि हफ्ते की इमरान खान साहब की शाम को एम्पायर उंगली उठाएगा, वो शाम गुजर गई, पार्लियामेंट साफ होगी, ठीक है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से बात की, फिर उन्होंने उनको उनकी खिदमत याद आ गई, यू टर्न टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की, फिर सियासी लोगों की बात की, यू टर्न कहते हैं हुंडी के जरिए पैसे भेजो, फिर 2 घंटे के बाद बयान वापस कर लिया, इसलिए हम समझते हैं कि ये हुकूमत इन्होंने जो 1.6 ट्रिलियन जो कर्जे लिए, आप इतनी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आप लोगों का मौका है, इस मुल्क पे जो इतना बड़ा बोझ डाला है कर्जों का, ये मुझे बताएं कर्ज क्या है, जंगले बसे बना रहे हैं आपका अस्पताल क्या, आपका आप समझ, आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आपका समझ नहीं आ रहा मौकफ क्या है, वो कह रहे हैं आपने क्या कहा, क्या मौकफ है, कौन सा मौका, गलत, बिल्कुल गलत, हमारा देखिए आज हमारी वजह से पूरी पार्लियामेंट तैयार हो गई है कि जमहूरियत को मजबूत करने के ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तैयार हो तो पार्लियामेंट हमारे प्रेशर में आ गया, एक बात अब कादरी साहब ने 48 आवर्स का गवर्नमेंट को टाइम दे दिया, नाम बदल करके तरीके यू टर्न, एक सवाल में करना चाहता हूं, आप अपने वजीर आला को कहें जो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनसे कहे कि अपना नाम बदल दे, हमें ना ये सबक सिखाए, उनको कहें 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, 6 महीने में झूठ बोलकर लोगों से वोट किया, वो पार्टी के सदर थे, झूठ बोलकर उन्होंने जो मंजूर किया मेरे हवाले से, उन्होंने जाली, अगर उनका मैंडेट जाली ना होता, एक मॉडल टाउन एक जगह कादरी साहब ने 48 आवर्स दिए गवर्नमेंट को और उन्होंने बता दिया है कि या तो वो शहीद हो रुखसत होगी, तो क्या ख्याल है उनकी कौन सी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है, या कोई इसमें भी आप बीच की राह निकाल लेंगे, ये सो रहे हैं, उनको क्या पता बेचारों को, आप तो कह रहे हैं उनके पास हिम्मत अमली होगी तो पाकिस्तान का तरीकाकार है नेगोशिएशन का, वो इनसे बहुत बेहतर हो गए, वो देखिए ना, उन्होंने ये भी कहा कि मैं नवाज शरीफ, हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जाए, नवाज शरीफ साहब हमारे एक ही मुतालबा है, क्या तैयार हूं शहबाज शरीफ से भी बात कर रहे हैं, या मैं शहीद या तुम शहीद, नहीं बात सुने, वो शहीद, ये खुशफहमी में है, दोनों जमातों के लिए बात करें, ये खुशफहमी में रह जाएंगे, इसी तरह ये इनका पहले जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उस वक्त भी इन्होंने जमहूरियत को लपेट के गए थे, ये मेरे ख्याल से दोबारा दोहराना चाहता हूं, इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, ज्ञान बदल लिया था, माजी से फारसी में बदलेंगे, शहीद हम नहीं होंगे, शहीद या ये होंगे या इमरान खान साहब होंगे, सियासत सीख लेते सऊदी अरब में जो शक्ति आई टाइम खत्म हो गया, ये नून लीग का शेर तो नहीं है, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ये नून लीग का शेर हो कि तुम भी मदावा ना कर सको, ये जो रैलियां निकालने में आखिरी बात करना चाहता हूँ, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब मैं नवाज शरीफ साहब जब वहाँ से आए सऊदी अरब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको वापस, मैं इस तरह जहाज में वापस धके थे, रैलियां चैलेंज मत करें, आप रैलियां चैलेंज मत करें, जब वो रैलियां निकाल रहे हैं आप एहतजाज करें, पार्लियामेंट से उनका बहुत शुक्रिया।
ऐसा ना होना कि फिर मदावा ना हो सके। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा आप और देखते रहिएगा समा।